नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश 10 की 10 तक। मैं हूं आप साथ खुशी। स्पेशल क्राइम रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं और रूबरू कराते हैं दुनिया की होने वाली घटनाओं से। आज की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही अजीब कहानी। हम जो आपको बता रहे हैं, कई दिनों से बात कर रहे हैं एक मर्डर केस, श्रद्धा मर्डर केस, जिसकी तलाश की लाश के टुकड़े या श्रद्धा मर्डर केस से भूतों से भी जोड़ा जा रहा है। लगातार वह कहानी सुन रहे हैं आज हम आपको, क्योंकि यहाँ तो फिर भी कुछ टुकड़े मिलने की बात कर रहे हैं, पर आज की कहानी जो है उसमें 4 साल से लाश ही नहीं मिली। इसके बावजूद यह मामला मुकदमा में पहुंचा तो गिरफ्तार भी हुआ। एक जेल में है और एक की तलाश जारी है। लाश के ढूंढने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, क्या वह कहानी है, बहुत वो खुद में सनसनीखेज है, वह कहानी सुनाऊंगी आज। उससे पहले आज आपको बता दें कि 6 दिसंबर आज से 6 दिसंबर का जो नार्को टेस्ट हो चुका है आफ्ताब का, अभी जस्ट आपको कहानी शुरू कर रहे हैं। उसके कुछ मिनट पहले ही 2-3 लोगों से मेरी आज बात हुई। मैंने अपने कुछ लोगों से बात किया, क्राइम रिपोर्टिंग भी क्लोज नहीं किया जा रहा है जब तक सामने वाला ना चाहे। नार्को टेस्ट जो आफ्ताब का हुआ उनमें ये लोग का भी माना जा रहा है कि मौजूद थे, और यही लोग मान लीजिए कि वो ये जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, मौजूदगी में नार्को टेस्ट हुआ उनके। यहाँ उनसे यहाँ बातचीत हुई कि ऑन द रिकॉर्ड भी हैं कि यह कोई जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि नार्को टेस्ट में क्या क्या हुआ। आज सुबह से ही मैं न्यूज़ चैनल देख रही हूँ, लगातार खबरें चल रही है कि आफ्ताब ने यह कहा है कि अपने क्या क्या अगला क्या क्या उगला आफ्ताब ने ये खुलासे किए। अब उन एक्सपर्ट से मैंने जब बात की तो वह हंस रहे थे। वह उनका कहना है कि उन्हें मालूम नहीं कि क्या चल रहा है खबरों में। अब जब मैंने पूछा कि नार्को टेस्ट का नतीजा क्या हुआ तो उनका जवाब था कि आप लोग के लिए जानना भी ज़रूरी है, जनता के लिए भी जानना ज़रूरी है कि 2 घंटे के दौरान जो नार्को टेस्ट हुआ आफ्ताब का, तो दो घंटों में आफ्ताब से ऐसे एक भी सवाल का जवाब उसने ढंग से नहीं दिया। 14 दिन की पुलिस की हिरासत में है उसने जवाब दिया। उसका कहना था कि आफ्ताब ने सारी वही बातें दोहराई जो बातें अब तक दिल्ली पुलिस के हिरासत में के दौरान भी बताई जा रही हैं, यानी नार्को टेस्ट के दौरान उनसे एक भी बात नहीं बताई। अब इसका यहाँ मतलब भी हुआ कि आफ्ताब ने पुलिस की हिरासत में जो भी कुछ बोला वो सच था, और उस दिन जो नार्को टेस्ट के दौरान बोला वो भी सच था, वह दोनों सच था। तो जब दोनों सच था तो अभी जो नार्को टेस्ट हुआ, जो दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट क्यों किया, नार्को टेस्ट हर किसी का नहीं होता, हजारों लाखों लोग होते हैं पकड़े जाते हैं, लेकिन मुश्किल तब होती है जब वो 10,000 लोगों में आरोपी होता है उसका नार्को टेस्ट किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब का नार्को टेस्ट इसलिए कराया गया क्योंकि उसे ज़रूरत थी सबूतों की, दिल्ली पुलिस को सबूतों की, जवाबों की ज़रूरत थी। उनके सवाल तो थे लेकिन जवाब नहीं मिल रहे थे। आफ्ताब ने उनसे यह कहने लगा था कि उसके इसलिए उसका नार्को टेस्ट कराया गया, सबूतों का सुराग तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अगर नार्को टेस्ट का हाल उसका रिसेट हो रहा है। अब आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में कहा था कि जो बातें बताई वही कहा जो पहले वह कह चुका था। इसका मतलब यही हुआ कि पुलिस की मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, उन्हें ज़्यादा करना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा अदा करना पड़ेगा उन सबूतों उन सुरागों को ढूंढने के लिए। दूसरा इसका मतलब ये भी निकलता है कि दिल्ली पुलिस ने जिन सबूतों और सुरागों के लिए नार्को टेस्ट कराया वह नार्को टेस्ट से उन्हें कुछ नहीं मिला। जिस फोर्स से आज मैं उन्हें यह बात कहती हूँ कि इसका यह और एक मतलब निकलता है कि इस बात का एक्सपर्ट्स में रोल आउट भी नहीं किया। शायद इस नार्को टेस्ट के दौरान जब उसे नींद और बेहोशी के हालत में पहुंचाने के बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था तब भी, और जब मशीन भी लगाई गई आफ्ताब को उसके बाद भी यह साबित नहीं हो पाया कि क्या सच है। नींद और बेहोशी की हालत में भी वो इतना होश में था कि पक्का पक्का क्या बोलना है, कितना कितना बोलना है, क्या क्या बोलना है, कितना छुपाना है, सब कुछ प्री प्लान था। बेशक
नींद और बेहोशी की हालत में भी चाहे, लेकिन दिल और दिमाग उसका वैसा ही था, नॉर्मल था। वही सभी चीज़ों को वह समझ रहा था, उसने उसी हालत में जवाब दिया, उसका रोल आउट भी नहीं हो पा रहा। लेकिन कुल मिलाकर नार्को टेस्ट का जो नतीजा है, वह आफ्ताब ने भी कई चीज़ों को नार्को टेस्ट के दौरान में नहीं मिला, सुराग नहीं मिला। अगला जब और नार्को टेस्ट होगा तब देखा जाएगा। अब दिल्ली पुलिस जो कि नार्को टेस्ट के लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि बाकी सुराग ढूंढने के लिए अब उन्हें, चूँकि आफ्ताब जब उन्हें हिरासत में लिया, स्पेशल कस्टडी में है, जेल में है, तो पुलिस का यह चीज़ ढूंढनी बेहद ज़रूरी होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कोर्ट में पेश करना है, फिर यह मामला छावला जैसा ना हो जाए। सबसे पहले कहानी सुनाती हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दे रही हूँ कि क्या पता नार्को टेस्ट के दौरान कई बातें नहीं बताई है आफ्ताब ने। आज की कहानी के ऊपर एक कहानी भी है जो एक सबूत ढूंढना और सुराग ढूंढने में 4 साल पहले बता दे कि 4 साल पहले मुंबई में एक कत्ल होता है, एक लड़की गायब होती है। पूरे कहानी यूँ है कि लड़की का नाम कृति व्यास मुंबई में रहती है, मुंबई में रहती थी, और जाने माने जो एक्टर है फरहान अख्तर और जो जावेद अख्तर के बेटे हैं, उनकी वाइफ, एक्स वाइफ अधूना अख्तर, वह भी एक सलून चलाती है। उनका एक सलून में जो है बी ब्लैंड नाम का, बी ब्लैंड तो इसलिए तो बी ब्लैंड सलून में एक फाइनेंस मैनेजर के तौर पर कृति व्यास काम करती थी। उनका यह दफ्तर था अंधेरी, बड़ी एक सनसनीखेज खबर है, वहाँ नौकरी करती थी। 16 मार्च 2018 को कीर्ति घर से निकलती है, दफ्तर जो कि कीर्ति के लिए बी ब्लंट था, कृति ने जब अपने घर से निकलती है नीचे भी पहुंचती है, कार में 2 लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, उस कार में वह सवार हो जाती है, फिर दफ्तर के लिए निकलती है। लेकिन 16 मार्च याद रखिए, 16 मार्च 2018 को सुबह 9 बजे वह घर से निकलती है, दफ्तर भी पहुंचती है, ऐसा कहा जा रहा है कि दफ्तर भी पहुंचती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दफ्तर गई। वहाँ थोड़ी देर इंतज़ार होता है, उसके बाद उसके फ़ोन भी लगाया जाता है, लेकिन कृति के पास 2 मोबाइल, दोनों भी बंद। फिर बड़ी फिक्र होने लगती है, घर वाले परेशान, क्योंकि सुबह से रात हो जाती है, जब घर नहीं लौटती तो घर वालों को फिक्र होने लगती है। पूरी रात उसे ढूंढा जाता है, मोबाइल बंद। आखिरकार 17 मार्च को कृति की बहन शालिनी ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी, और उसमें यहाँ भी कहा कि घर से निकली थी दफ्तर जाने के लिए, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखकर कृति की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कृति कहीं नहीं मिले, क्योंकि इस बाद फरहान अख्तर की वाइफ एक सलून में काम करती थी, इसीलिए फाइनेंस मैनेजर जब बाकायदा उसके पोस्टर वोस्टर भी चिपकाए थे। फरहान अख्तर ने खुद ट्वीट किया, अगर कोई कृति को जानता हो तो उसके बारे में पुलिस को बताए। इसके ढूंढने के लिए 5 अप्रैल को फिर एक बार मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई, 18 मार्च को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब अब 5 अप्रैल को यह क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, तब क्राइम ब्रांच ने अपना काम शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस ने इस बात की तफ्तीश शुरू कर दी कि तफ्तीश शुरू करने के बाद सबसे पहले रास्तों को ढूंढा गया, खंगाला गया, कुछ शुरू किया, सीसीटीवी कैमरे भी देखे। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे देखे तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि कीर्ति अपने घर से तो निकल रही है, लेकिन उसमें नीचे, घर के नीचे जब वो कार पर रुकती है तो स्पोर्ट नाम की जो कार थी, स्पोर्ट्स ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स नाम की जो कार थी उसमें 2 लोग सवार थे। आगे क्या हुआ पूरी कहानी बताएंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए देखते रहिए मिनट्स न्यूज़ लाइव की खास पेशकश 10 की 10 तक मेरे साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।